हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी प्लस। मेरा नाम है अक्षय मिश्रा और आप पढ़ रहे हैं हमारा सब्जेक्ट जिसका नाम है फ्लूइड मशीनरी। इसके प्रीवियस वाले वीडियो में हमने अपना मॉड्यूल 1 खत्म कर दिया था, हमने अपना मॉड्यूल 2 शुरू कर दिया था जिसका नाम है हाइड्रोलिक टर्बाइंस। हमने उसमें क्या क्या चीज़ पढ़ ली थी, हमने उसमें इंट्रोडक्शन देखा टर्बाइंस का, जनरल लेआउट के बारे में डिस्कस किया था हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का, फिर उसके बाद हमने डिफरेंट हेड्स एंड एफिशिएंसीज के बारे में पढ़ा। और उसके बाद अब जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो क्या होगा, हमारा पेल्टन व्हील, या हम उसको बोल सकते हैं पेल्टन टर्बाइन। ये कौन सी प्रकार की टर्बाइन है, ये एक इंपल्स टर्बाइन है। इसके बाद हम आगे जाके रिएक्शन टर्बाइन्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही प्रकार की हम इंपल्स टर्बाइन के बारे में पढ़ते हैं, वो क्या होती है, पेल्टन व्हील। तो चलिए हम अपने कोर्स में आगे बढ़ते हैं और पेल्टन टर्बाइन्स के बारे में अच्छे से डिस्कस करते हैं, ठीक है। यदि हम बात करें सबसे पहले पेल्टन व्हील की, तो ये क्या है, एक इंपल्स टर्बाइन है। सबसे पहली चीज तो मैं यहाँ पे लिखूंगा हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या, इंपल्स टर्बाइन। ठीक है, यदि हम इंपल्स टर्बाइन के बारे में बात करें तो जो टर्बाइन के इनलेट में जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है। यदि हम इसका कंपेयर करेंगे किससे, रिएक्शन टर्बाइन से, या उसको हम बोलते हैं इंपल्स रिएक्शन टर्बाइन, तो उसके इनलेट में काइनेटिक एनर्जी भी होती है और प्रेशर एनर्जी भी होती है। मतलब जो फ्लो होता है उसके पास खुद की एक वेलोसिटी तो होती ही होती है, साथ में प्रेशर डिफरेंस के कारण भी फ्लो होता है रिएक्शन टर्बाइन में। बट इंपल्स टर्बाइन में क्या होगा, सिर्फ वाटर की, जो भी वाटर की अवेलेबल एनर्जी होगी, मतलब हम बोल सकते हैं जो रिजर्वायर से पोटेंशियल एनर्जी या उसकी प्रेशर एनर्जी, वो पूरी किस में हम कन्वर्ट कर लेंगे, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहां पे मैं लिखूंगा एनर्जी एट द इनलेट ऑफ टर्बाइन, मतलब टर्बाइन के इनलेट में कैसी एनर्जी होगी इंपल्स टर्बाइन के केस में, तो टर्बाइन के इनलेट में सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगी। तो यहां पे हम लिखेंगे ओनली काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब हम हमारे पेल्टन व्हील के बारे में और बात करते हैं, तो ये क्या है, इसमें क्या होगा कि जो वाटर की अवेलेबल एनर्जी होगी, अवेलेबल एनर्जी मतलब हम इस टर्बाइन्स को यूज कर रहे हैं तो किसी डैम में ही यूज कर रहे होंगे, और वहां पे एक लार्ज रिजर्वायर होगा। रिजर्वायर में क्या होता है, वाटर स्टोर होता है जिसके पास फुल पोटेंशियल एनर्जी होती है, वो पूरी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करके रखता है। जब वो पेन स्टॉक से फ्लो करता है तो उसकी पूरी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो यहां पर हम अपना अगला पॉइंट लिखेंगे अवेलेबल एनर्जी ऑफ वॉटर, ठीक है। यदि हम वॉटर की अवेलेबल एनर्जी की बात करें, वो एनर्जी जिससे हम वर्क प्रोड्यूस करेंगे इसमें, तो वो क्या हो सकती है, यहां पे एक पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है क्योंकि वो एक हाइट पे स्टोर्ड है और वो अपने वेट के कारण एकदम प्रेशर से फ्लो करेगा, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, प्रेशर एनर्जी भी बोल सकते हैं। तो यहां पर मैं लिखूंगा पोटेंशियल स्लैश प्रेशर एनर्जी, ठीक है। मतलब वाटर की अवेलेबल एनर्जी यहां पे क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी, या हम उसको बोल सकते हैं प्रेशर एनर्जी। ये किसमें कन्वर्ट होती है, कन्वर्टेड इनटू, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, इंपल्स टर्बाइन पढ़ रहे हैं, तो वो एनर्जी पूरी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। मतलब पेल्टन व्हील के भी केस में क्या होगा कि वाटर की जो भी अवेलेबल एनर्जी होगी, प्रेशर या पोटेंशियल एनर्जी, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पूरी काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। अब ये जो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, इसमें हम क्या यूज करते हैं, नोजल यूज करते हैं, जो क्या करता है, और वेलोसिटी बढ़ा देता है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ नोजल, ठीक है। नोजल की मदद से हम काइनेटिक एनर्जी और इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। अब एक और बात करते हैं,
कि जैसे हम हाइड्रोलिक टर्बाइन्स पढ़ रहे हैं तो ये एक टर्बो मशीनरी में भी आएगा, और टर्बो मशीनरी में हम दूसरी टर्बाइन्स के बारे में भी बात करते हैं जो अलग अलग फ्लूइड्स या अदर अलग अलग लिक्विड्स पे काम करती हैं, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, वहां पे मल्टी स्टेजिंग होती है, मतलब बहुत सारे स्टेजेस में वो अपना एनर्जी यूटिलाइज करते हैं या एक्सट्रैक्ट करते हैं। बट इस केस में क्या होता है कि हम यहाँ वाटर यूज करते हैं, और वाटर क्या होता है, वाटर इनकम्प्रेसिबल होता है, तो यहाँ पे जो भी एनर्जी का कन्वर्जन होता है वो एक ही स्टेज में हो जाता है, यहाँ मल्टी स्टेजिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो यहां पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहां पे वन स्टेज, ठीक है, मतलब यहां पे एनर्जी का कन्वर्जन कैसे हो जा रहा है, एक ही स्टेज में हो जा रहा है। अब ऐसा क्यों होगा, क्योंकि वाटर जो है वो क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है। यदि हम बाकी टर्बाइन्स के बारे में बात करेंगे, जैसे हम गैस टर्बाइन्स देखते हैं तो वहां पे मल्टी स्टेजिंग हम करते हैं, या हम स्टीम टर्बाइन्स के बारे में बात करेंगे तो हम वहां भी मल्टी स्टेजिंग करते हैं, क्योंकि स्टीम क्या होती है, कंप्रेसिबल होती है। बट यहां पे हम एक सिंगल स्टेज में ही एनर्जी का पूरा ट्रांसफर कर लेते हैं, क्योंकि वाटर क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है, ठीक है। अब उसके बाद हमें इंपल्स टर्बाइन के बारे में पता चल गया कि इंपल्स टर्बाइन कैसी होती है, वो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी यूटिलाइज करती है, ठीक है। अब उसके बाद हम अपने टॉपिक के अंदर और आएंगे, हमें क्या पढ़ना है, हमें पेल्टन व्हील, ठीक है। तो अब हम अपना सेकेंड पॉइंट के बारे में बात करेंगे, पेल्टन व्हील, ठीक है। अब यदि पेल्टन व्हील के बारे में बात करें तो पेल्टन व्हील हमारी कैसी टर्बाइन है, टेंजेंशियल फ्लो इंपल्स टर्बाइन है। मतलब यहाँ पे जो वाटर होता है वो बकेट्स बोल सकते हैं या हम उसके वेन्स बोल सकते हैं, अभी उसमें टेंजेंशियली स्ट्राइक करता है, ठीक है। तो पेल्टन व्हील हमारी कैसी टर्बाइन है, टेंजेंशियल फ्लो इंपल्स टर्बाइन, ठीक है। वाटर टेंजेंशियली स्ट्राइक करता है, और हम टेंजेंशियली स्ट्राइक करने का वाटर का बहुत सारा केस हम पढ़ चुके हैं, किसमें, इंपैक्ट ऑफ जेट में, हमारे पहले मॉड्यूल में, ठीक है, वहीं का पोर्शन हम यूज करेंगे। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि इंपैक्ट ऑफ जेट जिसका स्ट्रांग है उसके लिए हाइड्रोलिक टर्बाइन्स कोई बहुत मुश्किल काम नहीं हो, ठीक है। तो हमने पेल्टन व्हील के बारे में देखा कि वो एक क्या है, टेंजेंशियल फ्लो इंपल्स टर्बाइन है, मतलब जो जेट होगा वो उसमें ब्लेड्स में टेंजेंशियली स्ट्राइक करेगा, ठीक है। अब हम थर्ड चीज के बारे में बात करते हैं कि जो हमारी पेल्टन व्हील है, ये हमने क्लासिफिकेशन में देख चुका है कि ये कैसी टर्बाइन है, एक हाई हेड टर्बाइन है। मतलब हमें जहां भी वाटर का जो अवेलेबल हेड होता है वो बहुत ज्यादा ऊंचाई पे होगा, मतलब बहुत हाइट पे होगा, वहां पे हम ऐसी टर्बाइन यूज करते हैं। बाकी जितनी भी जो दो टर्बाइन थी, कैप्लान प्रोपेलर की बात करें तो वो इससे कम हेड में यूज होती है, ठीक है। तो जो हमारी पेल्टन व्हील है वो एक क्या है, हाई हेड टर्बाइन, ठीक है। पेल्टन व्हील हमारी क्या है, एक हाई हेड टर्बाइन है। अब हमने क्लासिफिकेशन में एक और चीज देखी थी कि हेड और स्पेसिफिक स्पीड के बीच में रिलेशन। यदि किसी टर्बाइन का हेड बहुत ज्यादा है तो ऑब्वियसली बात है उस टर्बाइन की स्पेसिफिक स्पीड क्या होगी, लो होगी, ठीक है। तो हम देखते हैं वो रिलेशन कौन सा था, वो रिलेशन होता है स्पेसिफिक स्पीड का, या इसको हम शेप नंबर भी बोलते हैं, क्योंकि क्या है, ऑब्वियसली बात है ये डायमेंशनलेस होती है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता, ये टर्बाइन की स्पीड नहीं होती, ये अलग कैरेक्टराइज स्पीड होती है। तो NS, यदि हम स्पेसिफिक स्पीड की बात करें तो जो हमारी स्पेसिफिक स्पीड होती थी वो किस क्या होती थी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती थी, किसके, एच नेट के, एच नेट की पावर 5/4। आप देख सकते हैं कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब यदि इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, 5/4 से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कैलसी में दो वैल्यू के बीच में ऐसी चेक भी कर सकते हैं। यदि एच नेट की वैल्यू कम होगी तो NS की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। अभी यहां पे क्या है, एच नेट की वैल्यू ज्यादा है तो NS की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी कम हो जाएगी। मतलब जो हमारी पेल्टन व्हील है उसको हम क्या बोल सकते हैं, लो स्पेसिफिक स्पीड टर्बाइन, स्पेसिफिक स्पीड टर्बाइन, ठीक है। हमारी एक लो स्पेसिफिक स्पीड टर्बाइन होती है, ठीक है। अब यदि हम फोर्थ पॉइंट देखें तो जो पेल्टन व्हील होती है वो क्या होती है, लो डिस्चार्ज टर्बाइन होती है। मतलब जहां भी हमें डिस्चार्ज कम चाहिए रहता है हम वहां पे इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक लो डिस्चार्ज टर्बाइन। अब जब भी पेल्टन व्हील के बारे में सुनते होंगे तो सब बोलते होंगे हाई हेड लो डिस्चार्ज टर्बाइन, ठीक है। उसके बाद यदि हम अपनी फिफ्थ चीज बात करें, किसकी,
प्रेशर के बारे में बात करें, ऑब्वियसली बात है इंपल्स टर्बाइन है तो यहाँ प्रेशर का कोई वेरिएशन नहीं रहेगा, एटमॉस्फेरिक ही रहेगा। तो यदि हम प्रेशर के बारे में बात करें, ठीक है, तो जो टर्बाइन के इनलेट में प्रेशर होगा, पी इनलेट इज इक्वल टू पी आउटलेट इज इक्वल टू पी एटीएम, ठीक है, मतलब इनलेट आउटलेट का टेम्परेचर सेम एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जितना ही होगा। अब यहां पे यदि टेम्परेचर सेम है तो यहां पे हमें एक फायदा क्या मिलता है कि इसमें कभी कैविटेशन की प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है, क्योंकि जो जितनी भी रिएक्शन टर्बाइन्स होती है उसमें क्या होता है, आउटलेट पे प्रेशर बहुत ज्यादा कम हो जाता है और वो प्रेशर इतना कम हो जाता है कि वाटर नॉर्मल डिग्री नॉर्मल टेम्परेचर में भी बॉयल होने लग जाता है, तो वहां पे क्या होती है, कैविटेशन की प्रॉब्लम होती है। कैविटेशन के बारे में हम और अच्छे से पढ़ेंगे कि जो लो प्रेशर रीजन में बबल्स बनते हैं वो हाई प्रेशर रीजन में जाके बर्स्ट हो जाते हैं, शॉक वेव पैदा होती है, उस कारण कैविटेशन होता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कैविटेशन की कोई दिक्कत ही नहीं है। और रिएक्शन टर्बाइन्स में हम कैविटेशन दूर करने के लिए क्या करते हैं, ड्राफ्ट ट्यूब लगाते हैं, ठीक है, उसके बारे में हम रिएक्शन टर्बाइन में देखेंगे। तो यहाँ पे यदि प्रेशर पूरा एटमॉस्फेरिक है, सो नो कैविटेशन प्रॉब्लम, ठीक है, मतलब पेल्टन टर्बाइन के केस में हमें कैविटेशन की कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये था पेल्टन टर्बाइन के स्टार्टिंग का बेसिक्स। चलिए अब हम उसका डायग्राम देखते हैं और उसके मेन पार्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि पेल्टन व्हील के क्या क्या मेन पार्ट्स होते हैं। हमने अपना डायग्राम बना के रखा गया है, ठीक है, तो ये हमारे एक पेल्टन टर्बाइन का सेटअप है। जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे इस डायग्राम में पूरी इंफॉर्मेशन हम पुट करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसके मेन पार्ट्स के बारे में बात करते हैं कि इसके मेन पार्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, पेल्टन व्हील के मेन पार्ट्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला जो हमारा इसमें अरेंजमेंट में यूज होता है वो क्या होता है, नोजल एंड फ्लो रेगुलेटिंग ठीक है, सबसे पहला हमारा कंपोनेंट क्या होता है, नोजल या फ्लो रेगुलेटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपना डायग्राम देखते हैं। ये डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो ब्लू वाला पोर्शन है वो क्या है, हमारा शाफ्ट है जिसमें हमारा रनर माउंटेड है। मैंने रनर को रेड रंग से बनाया है क्योंकि ये आगे हमें बहुत हेल्प करेगा जब हम आउटवर्ड या इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टर्बाइन्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये रेड रंग का हमारा क्या है, रनर है। अब उसके बाद यहाँ पे ये जो हमारा जो पूरा हिस्सा है, ठीक है, तो चलिए अभी हम इसमें मार्क मतलब ऐड करना शुरू करते हैं। ये जो हमारे ये वाला पॉइंट है ये क्या है, हमारी नोजल, ठीक है, ये हमारा नोजल है। अब आप देख सकते हैं नोजल से एक फ्लूइड जेट स्ट्राइक कर रहा है, तो ये वाला पोर्शन हमारा क्या है, जेट ऑफ वाटर, ठीक है, नोजल से फ्लूइड जेट निकल रहा है और वो उस टर्बाइन को स्ट्राइक कर रहा है। आप देख सकते हैं कि ये जो टर्बाइन है मतलब टर्बाइन का जो रनर है उसमें जो बकेट्स लगे हुए हैं, मतलब हम इसको वेन्स भी बोल सकते हैं क्योंकि पेल्टन टर्बाइन के केस में हम बकेट्स यूज करते हैं, उसके बारे में हम और अच्छे से देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद ये जो वाटर है ये कहां से आ रहा है, ये जो हमारी पाइप दिख रहा है हमें पूरा, ये क्या है, हमारा पेन स्टॉक, मतलब जो सबसे बड़ा पाइप रहता है जिससे हमारा वाटर फ्लो होता है वो वाला हिस्सा है ये पेन स्टॉक, ये वाला हमारा पेन स्टॉक का हिस्सा है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि नोजल के अंदर एक स्पीयर अरेंजमेंट है, मतलब ये क्या करता है, ये फ्लो को रेगुलेट करता है। यदि हमें फ्लो रेट कम चाहिए या हमें डिस्चार्ज कम चाहिए कि टर्बाइन की स्पीड हमें वेरी करनी है, ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो टर्बाइन रहती है सीधा जनरेटर से कपल्ड रहती है, कभी कभी जनरेटर में लोड कम होता है तो हमें टर्बाइन की स्पीड स्लो करनी पड़ती है, तो वो सब चीज किससे होती है, मतलब पूरा डिस्चार्ज किससे रेगुलेट होता है, हमारा ये स्पीयर से, ठीक है। तो चलिए इसको भी लिख देते हैं, ये वाला पोर्शन क्या है, हमारा स्पीयर, और इस स्पीयर को हम ऑटोमेटिकली या मैन्युअली भी रेगुलेट कर सकते हैं, ये एक व्हील है यहां पे, जिस व्हील से हम क्या करेंगे, इस स्पीयर को रेगुलेट करेंगे, ठीक है। तो वाटर क्या होता है कि पेन स्टॉक में आता है, वो यहां से आता है, नोजल क्या करती है, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ा देती है और वो सीधा बकेट को स्ट्राइक करता है। स्ट्राइक करने के कारण क्या होता है कि ये जो व्हील है हमारी
रोटेट करने लग जाती है। अब ये व्हील रोटेट करती है, जनरेटर से सीधा कपल्ड रहती है, तो हमें क्या मिलती है? पावर मिलती है, इलेक्ट्रिकल पावर। ठीक है, तो सबसे पहले अब हमारा नोजल एंड फ्लो रेगुलेटिंग अरेंजमेंट में क्या आएगी? मेन चीज क्या आएगी? नोजल। और नोजल हमारी किस काम आती है? हमने पहले भी देख चुका है कि नोजल किस लिए होती है? यूज्ड टू इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी ऑफ वॉटर। ठीक है, तो नोजल हमारी क्या करती है? वॉटर की काइनेटिक एनर्जी को और इंक्रीज कर देती है। उसके बाद अब यहां पे फ्लो रेगुलेटिंग है, तो यहां पे इसका एक और काम क्या है कि डिस्चार्ज को वेरी करना। यदि ये नोजल का जो स्पीयर रही थी पूरा अंदर तरफ पुश हो जाएगा, तो क्या होगा कि जो जितना भी वाटर फ्लो हो रहा है वो क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। और यदि इसको हम पूरा पीछे की तरफ पुल कर लेते हैं तो फ्लो रेट क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। बट आप एक चीज ध्यान रखें कि कभी भी ये जो व्हील नोजल होती है इसको हमेशा हम पूरा बंद नहीं करते जनरली केस में। वो इसलिए कि यदि हम इसको बंद कर देंगे तो क्या होगा? हमारा वाटर हैमरिंग इफेक्ट होगा। इसी के लिए हम सर्ज टैंक यूज करते हैं कि वो प्रेशर क्या करता है? न्यूट्रलाइज कर देता है। तो यदि हम इसको अचानक से सडनली पूरा बंद कर दें या हम क्लोज कर दें तो क्या होगा कि वाटर जो इतना प्रेशर से आ रहा है वो एक हैमरिंग इफेक्ट करेगा, जिसके कारण हमें डैमेज हो सकता है। ठीक है, और उसके बाद तो हमारा नोजल के बारे में बात होगी। अब दूसरा हमारा क्या होगा? फ्लो रेट। ठीक है, तो फ्लो रेट हमारा किसकी मदद से कंट्रोल होता है? कंट्रोल्स बाय द हेल्प ऑफ स्पीयर। ये स्पीयर की मदद से हम क्या करते हैं? हमारा फ्लो रेट वो करते हैं। अब ये जो स्पीयर होता है ये कुछ नहीं होता, आप देख सकते हैं वहां पे क्या है? एक कोनिकल निडल है। ठीक है, एक कोनिकल निडल ही है हमारी यहां पे एक स्पीयर। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? फर्स्ट अरेंजमेंट क्या? नोजल और फ्लो रेगुलेटिंग अरेंजमेंट। अब सेकंड हम क्या बात करेंगे कि जब ये आया इस पे स्ट्राइक कर दिया, तो अब हम यहां पे बकेट्स और रनर के बारे में बात करेंगे। तो हमारा जो अगला मेन कॉम्पोनेंट इसमें होता है वो होता है रनर एंड बकेट्स। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं ये वाला पोर्शन हमारा क्या हो जाएगा? रनर। और ये जो हमारे जो इसमें माउंट है आप देख सकते हैं, ये जो पूरे ब्लेड्स माउंट है इनको हम क्या बोलते हैं? बकेट्स बोलते हैं। बकेट्स, हम इसको वेन्स भी बोल सकते हैं। या एक और चीज, क्योंकि ये इंपल्स टर्बाइन है और जो यहां पे जेट स्ट्राइक कर रहा है, तो हम देखते हैं कि हम ये सब, ये जो पोर्शन है पूरा, जब वो स्ट्राइक करता है कैसे हमें वर्क डन मिलता है, ये सब एनालिसिस हम किससे करते हैं? इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन की मदद से करते हैं। और यहां पे भी ये इंपल्स टर्बाइन है तो उसी की मदद होगी, क्योंकि प्रेशर का तो हमें कोई इफेक्ट मिल नहीं रहा है। तो इसको हम एक और चीज क्या बोल सकते हैं? इंपल्स ब्लेड भी बोल सकते हैं। इंपल्स ब्लेड। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। हमारा सेकेंड पॉइंट क्या होगा मेन पार्ट्स में? रनर एंड बकेट्स। ठीक है, रनर और बकेट्स के बारे में बात करते हैं। तो हमारा जो शाफ्ट है उसके ऊपर जो माउंट है ये वाला पूरा हिस्सा क्या है? रनर है। और रनर में क्या रहते हैं? हमारे वेन्स, या हम ब्लेड बोलते हैं उसको, हमारे माउंट रहते हैं। ठीक है, तो यदि हम रनर की बात करें कि रनर क्या होता है, तो रनर, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ सर्कुलर डिस्क। ठीक है, रनर हमारा क्या होता है? जनरली एक सर्कुलर डिस्क होती है जिसमें हमारे क्या रहते हैं? बकेट्स को हम क्या करते हैं? माउंट करते हैं। तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं? इवनली स्पेस्ड बकेट्स आर माउंट। ठीक है, इवनली स्पेस्ड का मतलब कि जो बकेट्स के बीच का विड्थ होती है, या हम डिस्टेंस बोलते हैं, वो क्या रहता है? सेम रहता है। वो डिस्टेंस सेम क्यों रखते हैं? ताकि बैलेंस्ड रहे सारी चीजें। यदि डिस्टेंस खराब, यदि डिस्टेंस वेरी करने लग गया सारे बकेट्स के बीच का, तो क्या होगी? हमें बैलेंसिंग की प्रॉब्लम आने लग जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम ये हमने देख लिया कि रनर क्या होता है। यदि हम अब बकेट्स की बात करें, ठीक है, तो
जो बकेट्स होते हैं उनका शेप कैसा होता है। तो बकेट्स का शेप कैसा होता है, डबल ठीक है। एक बकेट्स का शेप क्या होता है, डबल हेमिस्फेरिकल कप। डबल क्यों बोलते हैं, क्योंकि क्या होता है, ये जो ये वाला जो हिस्सा है वो हम एक साइड से देख रहे हैं तो हमें एक हिस्सा दिख रहा है, बट एक्चुअली क्या होते हैं, ये ऐसे शेप के होते हैं, ऐसे पार्ट दो टुकड़े ऐसे जुड़े हुए रहते हैं ठीक है। सी शेप, दो सी शेप को आप जोड़ लेंगे तो वैसे टाइप का हेमिस्फेरिकल बकेट्स बनता है। ये ऐसा दो हिस्सा बनाने का फायदा ये होता है कि जब हमने एनालिसिस कर रहे थे कर्व्ड वेन्स का, तो हमने देखा था कि एक्स डायरेक्शन, यदि कोई कर्व्ड प्लेट में कोई जेट सेंटर में स्ट्राइक करता है तो हमने उसमें क्या देखा था कि एक्स डायरेक्शन में भी फोर्स का मैग्नीट्यूड आता है और वाई डायरेक्शन का भी आता है। मगर यदि दो कप हम यूज करें जो सिमेट्रिकल हो, तो इसमें क्या होगा, जो वाई डायरेक्शन का थ्रस्ट है वो एक दूसरे से कैंसल आउट कर देगा, इसलिए हम यहां पे दो कप्स यूज करते हैं। और वो कप्स का शेप कैसा होता है, हेमिस्फेरिकल होता है ठीक है। और हम एक और प्रकार का कप यूज करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एलिप्सोइडल। एलिप्सोइडल शेप ठीक है, डबल हेमिस्फेरिकल कप और डबल एलिप्सोइडल शेप के होते हैं ठीक है। अब यदि हम बात करें कि ये जो बकेट्स होते हैं ये बनते किसके हैं, तो बकेट्स बनने में हम क्या चीज यूज कर सकते हैं, कास्ट आयरन यूज कर सकते हैं। कास्ट आयरन का मटेरियल हम यूज कर सकते हैं, कास्ट स्टील ब्रॉन्ज भी यूज कर सकते हैं। या हम इसको एक और क्या बोल सकते हैं, स्टेनलेस स्टील। ठीक है, अब ये जो मटेरियल है, ये मटेरियल हम कैसे सिलेक्ट करेंगे, ये मटेरियल हम सिलेक्ट करते हैं कि टरबाइन के इनलेट में हेड कितना है। यदि बहुत ज्यादा हेड है तो हमें मटेरियल और स्ट्रॉन्ग यूज करना पड़ेगा, बट यदि हमारा हेड ठीक है, ऑब्वियसली बात है हाई हेड टर्बाइन तो है ही, बट फिर भी उसके बाद भी हमारा ये पैरामीटर रहता है कि हमें बकेट जो है वो कैसे डिजाइन करना है। तो यदि एकदम ज्यादा हेड ज्यादा बहुत ज्यादा हो गया तो हम अच्छी क्वालिटी का जो बकेट है उसको बनाएंगे ठीक है। अब उसके बाद अब आपने एक चीज देखी कि ये दो कप शेप होते हैं जो जुड़े हुए रहते हैं, तो इनके जो बीच का पोर्शन होता है, दो कप से यदि जुड़ेंगे तो बीच में एक लाइन आएगी, उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, स्प्लिटर बोलते हैं ठीक है। तो हम यहां पे लिखेंगे बकेट्स आर डिवाइडेड इनटू टू शेप्स ठीक है। बकेट्स को हम दो शेप में डिवाइड करते हैं ठीक है। अब जो दोनों जो हमारे शेप होंगे वो क्या होंगे, ऑब्वियसली बात है दोनों शेप हमारे सिमेट्रिकल होने चाहिए, तभी तो वो क्या करेंगे, वाई डायरेक्शन का थ्रस्ट को क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे ठीक है। सिमेट्रिकल होते हैं, बकेट्स आर डिवाइडेड इंटू टू शेप जो सिमेट्रिकल होते हैं, और किसकी मदद से करते हैं, बाई ए डिवाइडिंग लाइन ठीक है। एक डिवाइडिंग लाइन की मदद से हम ये करते हैं और इस लाइन को ही हम क्या बोलते हैं, स्प्लिटर बोलते हैं। आप ये वाले डायग्राम में देख सकते हैं कि जो ये बीच वाला पोर्शन है ये क्या है, हमारा स्प्लिटर है। और ये जो हैज बता रहा है वो ये बता रहा है कि हमने कप्स का एक पोर्शन सेक्शन कट करके हम उसे यहां पे यूज कर रहे हैं, हैज लाइन वो शो कर रही है ठीक है। तो जो बीच की डिवाइडिंग लाइन होती है उसे हम क्या बोलते हैं, स्प्लिटर ठीक है। और वो स्प्लिटर आप ये पोर्शन यहां पे देख सकते हैं डायग्राम में ठीक है। अब इस डायग्राम के बारे में बात करते हैं, तो ये जो सामने वाला पॉइंट होता है ठीक है, इसको हमारी मेन नेसेसिटी ये रहती है कि इस पॉइंट को ऐसा बनाएं कि ये एकदम मैथमेटिकल कप्स जैसा हो। मैथमेटिकल कप्स क्या होता है, यदि इस पॉइंट का मैं टेंजेंट लूंगा, जैसे यहां पर आप दो ये ब्लैक लाइन देख रहे हैं, ये क्या है, इस पॉइंट के दो टेंजेंट्स हैं। यदि ये दोनों टेंजेंट्स एकदम सेम लाइन में आए, मतलब स्ट्रेट लाइन पे आए, मतलब पैरेलल रहे एक दूसरे के, तो वो क्या बनेगा, मैथमेटिकल कस्प बनेगा। बट एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग डिफिकल्टीज के कारण ऐसा बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता। और एक और प्रॉब्लम ये होती है कि जब पेन स्टॉक से वाटर आता है तो उसमें थोड़े से सैंड के पार्टिकल्स रहते हैं, वो जैसे ही इसको यहां पे हीट करेंगे तो इरोड करना शुरू कर देंगे ठीक है। तो ये एकदम मैथमेटिकल कप्स जैसा बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता, बट फिर भी हम कोशिश करते हैं कि ये एकदम एक्यूरेट बने। अब उसके बाद इस पॉइंट की जो दो टेंजेंट होते हैं, इसके बीच का जो एंगल होता है ये वाला, इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, टोटल
स्प्लिटर एंगल, ठीक है। और इसको हम डिनोट किससे करते हैं, 2βs से, ठीक है। टोटल स्प्लिटर एंगल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मान के चलिए यदि यहां पे 20 से मैं एक रेफरेंस लाइन ले लेता हूं तो हमें 2βs मिलेंगे, 2 स्प्लिटर एंगल्स मिलेंगे, ठीक है। तो स्प्लिटर एंगल क्या होगा, एक हिस्से का एंगल होगा। दोनों को यदि हम इधर पीछे से एनालाइज करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, टोटल स्प्लिटर एंगल बोलेंगे, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि यहां पे एक वाटर जेट है जो स्ट्राइक कर रहा है और इक्वली डिवाइड हो जा रहा है। तो इक्वली डिवाइड होने के कारण क्या होगा कि हमें वो एक्स डायरेक्शन में फोर्स तो देगा, जिसके कारण हमारा क्या होगा, रोटेशन होगा, बट जो वाई डायरेक्शन का थ्रस्ट होगा वो क्या करेंगे, आपस में इन लोग कैंसल आउट कर देंगे। तो हमें पूरी फोर्स की मैग्नीट्यूड कहां मिलेगी, एक्स में मिलेगी। अब उसके बाद आप देख सकते हैं कि जैसी वाटर इसको स्ट्राइक किया, ये डिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये जो डिफ्लेक्शन होता है इसके ऊपर भी बहुत सारी चीजें होती, जैसे यदि ये डिफ्लेक्शन एंगल हमने अपने प्रीवियस केस में देखा है कि जब कर्व प्लेट में वाटर स्ट्राइक करता है और यदि वो पूरा, अब जैसे यहां से मैं यदि इसको एक्सटेंड करूं, हम वेलोसिटी ट्रायंगल में वो अच्छे से देखेंगे कि ये आ रहा है और वो कितना डिफ्लेक्ट हो रहा है। यदि मैं इसका एंगल बनाऊं ऐसे, ये आ रहा है और उसके बाद ये कितना डिफ्लेक्ट हो रहा है, तो ये वाला हमारा एंगल क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्शन एंगल हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। यदि हम आइडियल कंडीशन की बात करें, मतलब यहां पर मैं बोलूं आइडियल डिफ्लेक्शन एंगल, ठीक है, यदि हम आइडियल डिफ्लेक्शन एंगल के बारे में बात करें तो ये हमारा कितना होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। यदि हमारा एंगल 180 डिग्री हो जाता है तो हमें क्या मिलेगी, मैक्सिमम फोर्स मिलेगी। हमने पिछले अपने डेरिवेशंस में ये देख चुका है कि जब ये हमारा एंगल 180 डिग्री हो जाता था, वो हमने किस में पढ़ा था, सेमी सर्कुलर वेन्स के केस में हमने पढ़ा है, तो क्या होता था, जो हमारा फोर्स होती थी एक्स डायरेक्शन में उसका मैग्नीट्यूड डबल हो जाता था, मतलब सामने 2 की वैल्यू आ जाती थी। हमने ये चीज देखी, आप जाके प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो हमारा आइडियल डिफ्लेक्शन एंगल होगा वो क्या होगा, हमारा 180 डिग्री होगा। बट हमें पता है कि इसमें फोर्स की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, सबसे ज्यादा मिलेगी, बट ये चीज क्या है, पॉसिबल नहीं है। वो इसलिए कि यदि हम यहां पे अपना आइडियल केस रखेंगे तो जो वाटर डिफ्लेक्ट होके आएगा वो क्या करेगा, प्रीसीडिंग ब्लेड्स को हिट कर देगा, जो उसके बाद का जो ब्लेड आ रहा है वो उसको हिट करने लग जाएगा। इसके कारण क्या होगा, हमारी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कम हो जाएगी, और ऑब्वियसली बात है यदि किसी दूसरे एक ब्लेड का वाटर दूसरे ब्लेड को स्ट्राइक कर रहा है तो ऑब्वियसली बात है वो एफिशिएंसी में हमें फर्क करेगा, ठीक है। तो इसलिए हम डिफ्लेक्शन एंगल 180 डिग्री नहीं लेते हैं, भले ही आइडियल है बट नहीं लेते हैं। तो हम क्या लेते हैं, एक्चुअली जो हमारा डिफ्लेक्शन एंगल रहता है वो कैसा रहता है, 165 डिग्री टू 170 डिग्री, ठीक है, 165 टू 170 डिग्री, या अलग अलग बुक्स में आप देखेंगे तो 160 टू 170, इसी के बीच में इसकी वैल्यू लाई करती है, ठीक है। 175 डिग्री भी हो जाता है, कहीं कहीं पे हम देखेंगे फाई हमारा 15 डिग्री रहता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा आइडियल डिफ्लेक्शन एंगल। तो ये तो क्या हो गया, आउटलेट का एंगल हो गया। यदि हम इनलेट की बात करें कि जो वाटर आता है इनलेट में उसका एंगल क्या होता है, तो इनलेट एंगल के बारे में हम बात करें तो जनरली जो रियल टाइप सिचुएशन, रियल लाइफ सिचुएशंस होती हैं, उसमें ये एंगल कितना हो जाता है हमारा, 1 से 3 डिग्री के बीच में वेरी करता है, 1-3 डिग्री के बीच में ये एंगल हमारा वेरी करता है। बट हम जितनी भी कैलकुलेशंस करते हैं पेल्टन व्हील के ऊपर, आप देखे होंगे, सारी कैलकुलेशन देखे होंगे, हमारा जो इनलेट का एंगल होता है उसको हम 0 डिग्री ही मानते हैं, ठीक है। तो बट टेकन 0 डिग्री इन ऑल कैलकुलेशन, ठीक है, यदि हम नॉर्मल लाइफ में कैलकुलेशन करें पेल्टन व्हील के ऊपर तो हम हर जगह उसको 0 डिग्री मानते हैं, बट हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअली 0 डिग्री पे नहीं, वो 1 से 3 डिग्री के बीच में वेरी करता है, बट हम उसको 0 डिग्री ही मानते हैं कैलकुलेशन के बीच में, ठीक है। तो ये क्या हुआ हमारा, किसके बारे में, रनर और बकेट्स के बारे में बात हुई, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारी थर्ड चीज, जो हमारा थर्ड मेन कॉम्पोनेंट होगा वो क्या होगा। आप देख सकते हैं कि मैंने इस डायग्राम को एक ब्लैक लाइन से पूरा बंद किया, ये हमारी ब्लैक लाइन क्या होती है, ये होती है हमारी केसिंग, ये क्या होती है, हमारी टरबाइन की केसिंग होती है, ठीक है। तो यदि हम अब इसकी केसिंग के बारे में बात करें कि यहां पे केसिंग का क्या फंक्शन होता है, तो चलिए वो चीज देखते हैं, ठीक है। अब हमने अपना सेकेंड पॉइंट हो गया था, अब हम थर्ड केसिंग के बारे में बात करते हैं।
ठीक है। और हम ये देखते हैं कि यहां पे केसिंग का फंक्शन क्या होता है। ठीक है, यदि हम केसिंग के फंक्शन की बात करें तो ये इसका क्या मेन क्या होता है, तीन चीज काम करती है। ठीक है, तीन काम में यूजफुल होती है बट एकदम नेसेसरी नहीं होती है, क्योंकि जब यदि हम पेल्टन व्हील के केसिंग के बारे में बात करें तो ये कोई हाइड्रोलिक फंक्शन नहीं करती है। यहां पे यदि हम दूसरे टर्बाइन्स के बारे में देखें, रिएक्शन टर्बाइन्स के बारे में बात करें, तो वहां पे केसिंग का एक प्रॉपर शेप होता है ग्रेजुअली डिक्रीजिंग एरिया का, ताकि वेलोसिटी मेंटेन रहे एरिया कम होने के कारण। ठीक है, बट यहां पे कोई इसका हाइड्रोलिक फंक्शन नहीं होता। तो यहां पे केसिंग का नॉर्मल फंक्शन होता है, और वो क्या होता है, प्रिवेंट स्प्लैशिंग ऑफ वॉटर। ठीक है, वॉटर की स्प्लैशिंग से ये प्रिवेंट करती है। ठीक है, एक और फंक्शन हम इसका देखें तो एक और फंक्शन यहां पे केसिंग का क्या होता है, कि जो पूरा वॉटर है उसको वो कलेक्ट करके क्या करती है, टेल रेस में डिस्चार्ज वॉटर टू टेल रेस। ठीक है, और एक और इसका छोटा सा फंक्शन क्या होता है, कि ये अब ऑब्वियसली बात है रोटेटिंग ब्लेड है, तो उसको हम ऐसी ओपनली तो नहीं चला सकते, उसमें कुछ चीज गिर जाए या मतलब कोई एक्सीडेंट हो जाए उसके ब्लेड के कारण, तो एक सेफ गार्ड प्रोवाइड करने की जरूरत होती है। तो ये क्या करती है, सेफ गार्ड हमें प्रोवाइड करती है। सेफगार्ड अगेंस्ट रोटेटिंग ब्लेड्स। ठीक है, अब हमने क्या बोला कि इसका कोई भी हाइड्रोलिक फंक्शन नहीं होता। ठीक है, तो परफॉर्म्स नो हाइड्रोलिक फंक्शन। ठीक है, केसिंग का जो भी मेन रहता है वो कोई हाइड्रोलिक फंक्शन नहीं करती है। किसकी केसिंग, हमारी पेल्टन व्हील की केसिंग। ठीक है, तो हमने तीन चीज देख ली। अब उसके बाद इसमें लास्ट एक छोटी सी चीज क्या आती है, वो होता है हमारा ब्रेक नोजल, या हम जो ये वाला जो हिस्सा होता है इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेक नोजल। ठीक है, ये ब्रेक नोजल क्या करता है कि अब जैसे मान के चलिए हमने सप्लाई बंद कर दी, बट ऑब्वियसली बात है ये सेटअप जो होगा वो हल्का थोड़ी ना होगा, इसका बहुत ज्यादा वेट होगा, तो ये अपनी इनर्शिया के कारण बहुत देर तक रोटेट करते रहता है। ठीक है, और यदि हमें सडनली कोई सिचुएशन में हमें टर्बाइन की स्पीड एकदम स्टॉप चाहिए, हमें टर्बाइन का रोटेशन स्टॉप करना है, तो हम यहां से क्या करते हैं, एक ब्रेक नोजल लगा के रखते हैं, जो क्या करता है, रिवर्स डायरेक्शन में जेट मारता है। ये ऐसे घुमा रहा है तो ये इसको इस डायरेक्शन में जेट मारेगा। ये नोजल उतनी बड़ी नहीं होती इसके मुकाबले। ठीक है, तो ये क्या करती है, टर्बाइन की स्पीड को क्या करती है, स्लो करती है और स्टॉप कर देती है। ठीक है, तो ये ब्रेक नोजल है। तो हमारा फोर्थ पॉइंट क्या होता है, इसमें हमारा जो मेन कंपोनेंट होता है उसको हम बोलते हैं ब्रेकिंग जेट। ठीक है, ब्रेक नोजल से जो जेट निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेकिंग जेट। और ये सिंपली हमने बता दिया क्या करती है, कि रनर इनर्शिया के कारण रोटेट करते रहता है, तो उसको क्या करती है, स्टॉप कर देती है शॉर्ट टाइम में। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये हुआ हमारा मेन पार्ट्स, कि हमारे पेल्टन व्हील में क्या क्या मेन पार्ट्स होते हैं। एक और चीज, यदि इस चीज को पूरा आप देख सकते हैं कि मैंने रेड रंग की डॉटेड लाइन से इस चीज को पूरा एनक्लोज किया है, यदि मैं इस पूरे सिस्टम को हमारा एक अपना कंट्रोल वॉल्यूम मान लूं, ठीक है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, टर्बाइन हो जाएगी। यदि मैं इसमें पूरा एनालिसिस करता हूं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कंट्रोल वॉल्यूम बोल सकते हैं, या हम इसको टर्बाइन्स बोल सकते हैं। ठीक है, अब हमने एक और चीज देखी थी कि प्रेशर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक मेंटेन रहता है। आप एक चीज देख सकते हैं कि मैंने यहां पे इसको दो पोर्शन से ओपन करके रखा है, जनरली ऐसा ओपन होता है। ठीक है, तो ओपन होने का मतलब, अब यहां पे ओपन होने का मतलब ये शो करता है कि यहां पे प्रेशर जो है और बाहर का प्रेशर सेम है, मतलब हर जगह प्रेशर कैसा मेंटेन है, पीएटीएम ही मेंटेन है। इसलिए क्या होती है, एक इंपल्स टर्बाइन होती है। ठीक है, तो अब हम एक और चीज के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे वेलोसिटी ट्रायंगल्स और वर्क डन किसके, पेल्टन व्हील के। ठीक है, हमने मेन कंपोनेंट्स के बारे में बात किया पेल्टन व्हील के, चलिए एक और छोटा सा एनालिसिस करते हैं। यदि यहां पे मैं अपना एक पॉइंट मान लेता हूं, ये हमारा पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा, वन, और यहां पे एक पॉइंट ले लेता हूं, ये वाला पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, मैं जीरो और वन के बीच में क्या करूंगा, बर्नौली इक्वेशन लगाऊंगा।
ठीक है। तो अप्लाइंग बर्नौलीज इक्वेशन बिटवीन पॉइंट 0 एंड 1, ठीक है, तो हम 0 और 1 के बीच में क्या करेंगे, अपनी बर्नौलीज इक्वेशन लगाते हैं। चलिए, ठीक है, तो इस तरह में क्या होगा, एच नेट जो हमारा नेट हेड होता है, ठीक है, हमने देख चुका है हमारा नेट हेड क्या होता है, और इधर पे वैल्यू क्या हो जाएगी, P1 बाई रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाई 2G प्लस Z1, ठीक है, ये हमारे क्या है, नेट मिलेगा और इतनी हमारी एनर्जीज रहेगी यहाँ पे, ठीक है। अब यदि हम प्रेशर एनर्जी के बारे में बात करें तो हमारा प्रेशर क्या है यहाँ पे, एटमॉस्फेरिक है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 0 हो जाएगी, ठीक है। यदि हम इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डेटम डिफरेंस देखें तो दोनों की हाइट भी क्या है, सेम है, तो ये वाली वैल्यू भी हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मतलब हमारा जो एच नेट है वो किसके बराबर हो जाएगा, एच नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 स्क्वायर बाई 2G। अब यदि मैं यहां से V1 की वैल्यू निकालूं तो मेरी V1 कितनी आएगी, और ये जो वैल्यू मैं कैलकुलेट करूंगा, ऑब्वियसली बात है हम कैलकुलेशन से कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये हमारी क्या होगी, थ्योरेटिकल वैल्यू होगी। V1 TH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2G एच नेट, ये क्या हो जाएगी हमारी थ्योरेटिकल वेलोसिटी। यदि हमें इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वेलोसिटी निकालनी है और हमें एच नेट की वैल्यू दी गई है कि इतना नेट टर्बाइन यूज कर रही, तो हम उससे क्या कर सकते हैं, हमारी V1 मतलब इनलेट की क्या बोलते हैं इसको, एब्सोल्यूट वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आप कोई कोई क्वेश्चन देखेंगे उसमें क्या दिया रहता है, कोफिशियंट ऑफ वेलोसिटी दिया रहता है, तो चलिए देखते हैं क्या होता है सीवी, क्या होता है हमारा कोफिशियंट ऑफ वेलोसिटी, और ये किसका रेशियो होता है, V1 एक्चुअल बाई V1 थ्योरेटिकल, ठीक है, TH मतलब थ्योरेटिकल और एक्चुअल, ऑब्वियसली बात है जो एक्चुअल वैल्यू होगी वो हमेशा कम ही होगी किससे, थ्योरेटिकल से। यदि हम थ्योरेटिकल से कोई वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो वो ज्यादा ही आएगी किससे, एक्चुअल वैल्यू से, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है, लेस देन 1 होती है, और किस किस के बीच में वेरी करती है, 0.96 से लेके 0.98, ठीक है। अब यदि हम सीवी की बात करें तो सीवी क्या होता है हमारा, कोफिशियंट ऑफ वेलोसिटी, ये क्या होता है हमारा, कोफिशियंट ऑफ वेलोसिटी। आप देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी कम वेरी कर रही है, यदि किसी क्वेश्चन में आपको सीवी नहीं दिया हुआ है, बट यदि आपको सीवी दिया हुआ है तो आप पहले थ्योरेटिकल वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे, फिर आपको एक्चुअल वेलोसिटी लेके प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी, और ये एक्चुअल वेलोसिटी क्या बन जाएगी, हमारी इनलेट की एब्सोल्यूट वेलोसिटी बन जाएगी, ठीक है। बट यदि आपको सीवी की वैल्यू किसी क्वेश्चन में नहीं दी गई है तो ऑब्वियसली बात है आप उसको 1 एज्यूम करके चलेंगे, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं हम किसके, पेल्टन टर्बाइन के वेलोसिटी ट्रायंगल्स और वर्क डन के बारे में। वेलोसिटी ट्रायंगल एंड वर्क डन, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक चीज देखते हैं कि हम ये वाला जो केस रहता है इसमें हम क्या मानते हैं, U2 इज इक्वल टू U1 इज इक्वल टू U इज इक्वल टू पाई डी एन बाई 60, ठीक है। U1 U2 क्या है, इनलेट की टेंजेंशियल वेलोसिटी और आउटलेट की टेंजेंशियल वेलोसिटी। मान के चलिए यदि यहां पे सेंटर पे स्ट्राइक करेगा, ठीक है, U1 ये वाला पॉइंट और U2 उसका ये वाला पॉइंट, एक बकेट को हम कंसीडर कर रहे हैं U1 और U2, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है ये जो डिस्टेंस होता है इतना, हम क्या मानते हैं कि यहां पे सेम है। हम U1 और U2 का डिफरेंस कहां लेते हैं, रेडियल कर्व्ड वेन्स के केस में हम उसका डिफरेंस लेते हैं, बाकी इस पॉइंट पे हम कंसीडर करते हैं कि इन दोनों पॉइंट्स का स्पेस बहुत कम है, तो वहां की वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। तो हम ये वाला एक्सप्रेशन मानते हैं कि U2 इज इक्वल टू U1 इक्वल टू U, ठीक है। अब यदि हम यहां बात करें वेयर, तो हमारा D क्या होता है, डाया ऑफ व्हील, ठीक है, और n क्या होती है हमारी, स्पीड ऑफ व्हील, और ये किसमें होती है, RPM, ठीक है। चलिए तो हम अपना वेलोसिटी ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, ये क्या हो जाएगी हमारी वेन्स बोल सकते हैं, या इसको हम बकेट्स बोल देते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम अपनी वेलोसिटी देखते हैं,
तो जेट से जो वाटर निकलेगा वो अपनी कौन सी वेलोसिटी से निकलेगा? अपनी एब्सोल्यूट वेलोसिटी से निकलेगा, ठीक है। अब वो एब्सोल्यूट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? v1, ठीक है। ये वाला क्या हो जाएगा हमारा? v1, ठीक है। अब यहां पे जो व्हील है इसके इनलेट की भी कुछ वेलोसिटी होगी, मतलब ये जो कर्व्ड वेन्स है इसका एक इनलेट की वेलोसिटी होगी। ये वाला पॉइंट क्या है हमारा? इनलेट। और ये क्या है हमारा? आउटलेट। तो जो इनलेट की टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी उसको हम क्या बोलते हैं? u1। तो ये जो आधा हिस्सा है हमारा, ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा हमारा? u1, ठीक है। अब हम एक चीज देख सकते हैं कि जेड भी मूव कर रहा है, प्लेट भी मूव कर रही, तो हम रिलेटिव वेलोसिटी निकालते थे v1 माइनस u करके। तो जो ये वाला पोर्शन होगा हमारा, ये क्या हो जाएगा? vr1, मतलब इनलेट की ये क्या हो जाएगी? हमारी रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। अब आप एक चीज देख सकते हैं कि इनलेट वेलोसिटी एक ट्रायंगल बनता था हमेशा, बट इस केस में क्या होगा कि सेंटर पे स्ट्राइक कर रहा है, तो यहां पे जो हमारी अल्फा की वैल्यू होती है गाइड ब्लेड एंगल एट द इनलेट, और थीटा की वैल्यू होती है ब्लेड एंगल एट द इनलेट, वो क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। वही चीज जो हमने देखी कि 1 से 3 डिग्री होता है, बट हम कैलकुलेशन में क्या मानते हैं? पूरा जीरो मानते हैं, हम जीरो ही मान के चलेंगे, ठीक है। और जब ट्रायंगल बन नहीं रहा है तो ये वाला जो पूरा पोर्शन है ये क्या हो जाएगा हमारा? vw1 हो जाएगा, मतलब एब्सोल्यूट वेलोसिटी का कंपोनेंट डायरेक्शन ऑफ मोशन में इस वेलोसिटी का एक कंपोनेंट है। अब आप यहां से एक और चीज देख सकते हैं कि जो हमारी फ्लो वेलोसिटी होगी vf1, उसका कंपोनेंट, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? जीरो होगा यहां, ठीक है। तो ये क्या बन गया हमारा? इनलेट का वेलोसिटी ट्रायंगल बन गया। हम इसमें नोटेशन भी दे सकते हैं a b c, ठीक है। अब चलिए आउटलेट का वेलोसिटी ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। अब हमने देखा है कि जैसे ही ये v1 से इसको स्ट्राइक करेगा, इसकी पूरी पेरिफेरी में किससे फॉलो करेगा? वो रिलेटिव वेलोसिटी से फॉलो करेगा, और आउटलेट पे जो हमें वेलोसिटी मिलेगी वो हमारी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? vr2, ठीक है। ये हमें आउटलेट की वेलोसिटी मिल जाएगी। अब हमें आउटलेट की जो टिप है, जो ब्लेड का आउटलेट है, वहां की एक टेंजेंशियल वेलोसिटी भी होगी u2, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन हमारा क्या हो जाएगा? ये वाली जो हमारी वेलोसिटी होगी ये होगी u2, मतलब टेंजेंशियल वेलोसिटी एट आउटलेट, ठीक है। अब यदि हम इस ट्रायंगल को क्लोज कर देते हैं तो ये वाला हिस्सा हमें क्या देगा? v2, v2 मतलब एब्सोल्यूट वेलोसिटी एट आउटलेट, ठीक है। अब उसके बाद ये जब ये v2 बन गया तो इस v2 का दो कॉम्पोनेंट होगा, ठीक है, एक डायरेक्शन ऑफ मोशन में, एक परपेंडिकुलर टू द मोशन में। तो इसका जो डायरेक्शन ऑफ मोशन वाला कॉम्पोनेंट होगा ये वाला पोर्शन, ये हमारा क्या होगा? vw2, ठीक है। और ये जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी हमारी? vf2, ठीक है। एंगल्स देख लेते हैं, ये वाला एंगल हमारा क्या होता था? फाई, और ये एंगल हमारा बीटा। बीटा क्या होता था? ब्लेड एंगल एट दी आउटलेट, ठीक है। इसमें भी हम नेमिंग कर सकते हैं egh, ठीक है। तो ये क्या बन गया हमारा? आउटलेट का वेलोसिटी ट्रायंगल बन गया। अब यदि हम एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन की बात करें, ठीक है, यहां से हम एक अपनी एक्सिस लाइन ले लेते हैं, ठीक है, और ये जो डिफ्लेक्ट हो रहा है इसको यदि मैं यहां पे ज्वाइन करूं, ठीक है, तो ये वाला मेरा एंगल क्या होगा? एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ठीक है, और ये वाला एंगल मेरा कितना होगा? फाई। और अच्छे से बना देते हैं, ये वाला जो एंगल होगा हमारा वो होगा फाई, ठीक है। तो मतलब हम एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन दिया रहेगा क्वेश्चन में, तो हम इससे यहां से क्या कैलकुलेट कर लेंगे? फाई कैलकुलेट कर लेंगे, मतलब सीधा हमारा ऑल्टरनेट अपोजिट एंगल से हमारा ये वाला एंगल भी हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है हमारा? वेलोसिटी ट्रायंगल है, किसका? पेल्टन व्हील का। यदि हम चाहें तो इसको हम पूरा अपना वो भी बना सकते हैं, पूरा एक शेप ले सकते थे जिसमें हमने इसके जो प्रीवियस वाला डायग्राम देखा है, बट डायग्राम ऐसी ही होता है इसका, ठीक है। अब यदि हम इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल के बारे में बात करें,
ठीक है। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे इनलेट में कोई वेलोसिटी ट्रायंगल तो है ही नहीं, ये क्या है, एक नॉर्मल क्या है, सिंपल सी स्ट्रेट लाइन है, तो यहां पे इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। अब स्ट्रेट लाइन है तो हमारा क्या हो जाएगा, हमने यहां देखा है VW1 हमारा कितना है, किसके बराबर है, हमारा V1 के बराबर है, ठीक है। और हमारा क्या है, हम VR1 निकाल सकते हैं, हम VR1 कैसे निकाल सकते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी एट द इनलेट, कैसे, V1 माइनस U1 करके, ठीक है। इसको हम एक और चीज बोल सकते हैं कि अब U1, U2 और U तो बराबर ही है, तो इसको हम V1 माइनस U भी लिख सकते हैं, ठीक है। हमने एक और चीज देखी, क्या VF1 की वैल्यू 0 है, ठीक है, अल्फा क्या है वो भी 0 डिग्री है, और थीटा क्या है हमारा यहां पे, थीटा भी 0 डिग्री है, ठीक है। यदि हम आउटलेट वेलोसिटी ट्रायंगल के बारे में बात करें, ठीक है, आउटलेट वेलोसिटी ट्रायंगल के बारे में यदि हम बात करें, तो आउटलेट में आप एक चीज देख सकते हैं कि अभी हमें कोई भी वो ऐसा कुछ कंडीशन है कि हम एक आइडियल चीज पढ़ रहे हैं, अभी हमें वो चीज के बारे में पता ही नहीं है कि यहां पे कुछ लॉसेस हो रहा है ब्लेड के बीच में और इसके बीच में। तो यदि कोई लॉसेस नहीं हो रहा है तो हम क्या मानेंगे कि जो VR2 होगा वो किसके बराबर होगा, VR1 के बराबर होगा, ठीक है। यदि हम आउटलेट पे VW2 कैलकुलेट करना चाहें, VW2, यदि हम VW2 की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो हम देखते हैं कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि ये VR2 है, ठीक है। यदि मैं इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसको रिजॉल्व करूं तो ये क्या हो जाएगा, बीच में एंगल फाई है, तो ये क्या हो जाएगा, VR2 cos फाई, ठीक है। तो यहां पर मैं लिखूंगा VR2 cos फाई, ठीक है। अब एक और चीज कि ये तो पूरा पोर्शन हो गया, इसमें से अपने को U2 माइनस करना पड़ेगा तभी हमें VW2 की वैल्यू मिलेगी, तो VR2 cos phi माइनस U2, ठीक है। अब हमें एक और चीज पता है कि VR2 और VR1 बराबर है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, VR1 cos phi माइनस U2, ठीक है। अब एक और चीज पता है कि हमारा U2 U1 भी सेम है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, VR1 cos phi माइनस U, ये क्या मिल जाएगी हमें, VW2 की वैल्यू मिल जाएगी यहां पे, ठीक है। ये वैल्यू हमारी इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि VW1 और VW2 की वैल्यू हम यूज करेंगे आगे जाके हमारी हाइड्रोलिक एफिशिएंसी के एक्सप्रेशन में। ठीक है, ये जो दो वैल्यूज हैं हमारी, ये वैल्यूज हम यूज करेंगे किसमें, हमारे हाइड्रोलिक एफिशिएंसी के एक्सप्रेशन, ठीक है। हमने इनलेट और आउटलेट की वेलोसिटी ट्रायंगल्स के कुछ एक्सप्रेशन निकाले हैं, ये एक्सप्रेशन हम यूज करेंगे। तो अभी तक इस वीडियो में इतना ही, हमारे जो पेल्टन व्हील दो पार्ट में वीडियो आएगा और वो दोनों वीडियो आपको एक साथ प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, मतलब यदि पहला पार्ट अपलोड होगा तो आपको सेकेंड पार्ट भी मिल जाएगा। तो इस पार्ट में इतना ही, सेकेंड पार्ट में हम सीधा जो फोर्स एग्जर्ट करेगा वो एक्स डायरेक्शन में, वहां से हम अपनी चीजें शुरू करेंगे, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी तक जाएंगे, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी की कंडीशंस देखेंगे, मैक्सिमम एफिशिएंसी की कंडीशन देखेंगे, उसके बाद जो पेल्टन व्हील में पैरामीटर्स और पॉइंट्स हमें रिमेंबर होने चाहिए उसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू।